कल थाना साहिबाबाद क्षेत्र में एक महिला का शव एक सूटकेस से बरामद हुआ था। उस पर तत्काल टीमों का गठन किया गया था। वहां पर मौके पर मेरे एवं अन्य अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया था। इसी क्रम में सोशल मीडिया पर भी मृतका का जो फोटो है उसको वायरल कराया गया था और विभिन्न ग्रुप्स में उसको डाला गया था और अन्य राज्यों से भी वार्ता की गई थी, अन्य जनपदों से वार्ता की गई थी, सीमावर्ती जनपदों से वार्ता की गई और विभिन्न जो गुमशुदगियाँ हैं आसपास की सबसे मिलान कराया गया था। इसी का नतीजा रहा कि जो मृतका के परिवार के एक रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं उन्होंने इनको सूचित किया कि एक मिलता जुलता फोटो जो है उस फोटो से मिलता जुलता शव जो उसकी पहचान उन्होंने की है। इसी में पता चला कि लड़की का जो मायका है वो अलीगढ़ में है और ससुराल बुलंदशहर में है। इसके पूरे तार जो हैं अलीगढ़ और बुलंदशहर से जुड़े हुए पाए गए हैं। शिनाख्त जो मृतका है उसके परिजनों ने की है और इसमें यह भी जो पता चला कि एक तहरीर बुलंदशहर कोतवाली में दी गई थी जिसमें लड़की के मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज का आरोप लगाया था और अपनी लड़की की हत्या करने का आरोप लगाया गया था। उस जो आरोप थे उसके संबंध में आज प्रातः 4:30 बजे कोतवाली बुलंदशहर में अंतर्गत धारा 498A 323 304B 3/4 दहेज अधिनियम मुकदमा पंजीकृत है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।